row over NCP MLA Nawab Malik's attendance in the state assembly. Maharashtra Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis wrote a letter to his fellow Deputy Chief Minister and alliance partner Ajit Pawar, expressing his opposition to inducting NCP MLA Nawab Malik into the Mahayuti government. Fadnavis in his letter mentioned that BJP has no problem if Nawab Malik attends the assembly session, as there is no personal grudge against him, but added that he should not be made part of the Grand Alliance due to the charges levelled against him. Fadnavis added that Ajit Pawar should think if it would harm the alliance. Meanwhile, Ajit Pawar's faction was unhappy with the letter, and they said that there was no need to write a letter, and Fadnavis should have told this to Ajit Pawar in person. ये जो खत लिखा है वो देवेंद्र जी ने अजीत दादा को लिखा है, डिप्टी सीएम को लिखा है, और उसमें ऐसा लिखा है कि नवाब भाई जब वहां आए थे और बाद में सत्ताधारी बेंच के ऊपर जाके वो बैठे, उसके बाद स्पॉन्टेनियसली जल्द से जल्द ये खत देवेंद्र जी ने लिखा है। ऐसा कुछ नहीं है कि आठ दस दिन के बाद, आंदोलन होने के बाद लिखा है, एक महीने के बाद लिखा है, दो महीने के बाद लिखा है। उन्होंने आज आए, आज वो बैठे नवाब भाई, और उसके बाद त्वरित उन्होंने ये लेटर लिखा है। इसलिए मेरे ख्याल से तीनों जो लीडर है, एकनाथ जी शिंदे साहब है, देवेंद्र जी है और अजीत दादा है, बैठ के जो सब्जेक्ट है वो सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और इसमें मेरे को ऐसा लगता है कि जो भूमिका देवेंद्र जी ने वहां बताई है, खत में बताई है, वो हमारी भी भूमिका है कि जब तक खत में जो जो लिखा है वो जब तक नहीं होता, तब तक उनको महायुति में लेना प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। और ये भूमिका स्पष्ट रूप से मेरे ख्याल से देवेंद्र जी ने वहां लिखी है। देखिए, उनका अंदरूनी मसला है, जो अब महायुति बता रहे या जो भी है, वो अंदरूनी मसला है उनका, वो अपना डिसाइड करे क्या करना है। लेकिन जब ये बात सुबह हुई तब तो उन्होंने कुछ कहा नहीं, जब वो डिफेंड कर रहे थे, और अब जाकर जब लोग जो है महाराष्ट्र की जनता, देश की जनता, उनको पता चला कि ये एक बोलते ना कि दोहरी भूमिका है, तब जाकर उन्होंने कहीं ना कहीं अपना साइड जो सेफ करने के लिए एक लेटर निकाला। देखिए, बात तो यही होती है कि उन्होंने कुछ सोचा अलग और अब जाकर कुछ और कर रहे हैं। मैं खुद चाहता हूं कि इस तरीके से पत्र वायरल ना हो। जो कुछ भी देवेंद्र जी को कहना है वो खुद जाके अजीत दादा से मिले, और अजीत दादा समर्थ है नवाब भाई के बारे में, वो क्या डिसीजन ले सकते वो खुद उसके बारे में समर्थ है। इस तरीके से पत्र सार्वजनिक करना महायुति के गठबंधन को एक तरीके से हम, यानी क्या बोल सकते हैं उसको, एक तरीके से हम उसको मान्यता नहीं दे रहे। इस तरीके से होता है, मेरी खुद की राय है कि अगर नवाब भाई के बारे में आपकी कोई शिकायत हो तो खुद जाके अजीत दादा के साथ मिलकर भी एक बात आप कर सकते थे। लेकिन ठीक है, आपने पत्र वायरल किया तो इसका जवाब भी अजीत दादा ही देंगे।